तो अगर आप ये आठ जो मैंने विस्तृत उत्तरी प्रश्न बताया अगर आप ये कर लिए तो आप बोर्ड एग्जाम में आराम से 10 नंबर अभी से तैयार कर लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 में जो 5 नंबर के विस्तृत उत्तरी प्रश्न होते हैं उनमें मैं आपको 7 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो पिछले वर्ष कई बार आ चुके हैं और 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना। और मैं आपको इस विस्तृत उत्तरी प्रश्न बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न में होता क्या है कि इसमें एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है एल्युमिनियम के 2 मुख एस्को के नाम तथा सूत्र लिखे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो मैं 7 क्वेश्चन आपको लेसन 1 टू लेसन 7 समझाऊंगा, अगर आप ये 7 क्वेश्चन कर लिए तो आप इसमें से जितने भी विस्तृत उत्तरी प्रश्न आएंगे आप बहुत आसानी से कर ले जाओ, क्लियर है। और अगर आपको सभी क्वेश्चन का आपको आंसर भी दूंगा और इसको समझना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस सभी क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन देखकर सिर्फ क्या करोगे, ठीक है, तो अगर इनको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं केमिस्ट्री के सभी वीडियो का लिंक दूंगा, ठीक है, और या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसमें आपको एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक के कंप्लीट वीडियो में एक एक चैप्टर के 6-6 पार्ट बना चुका हूँ, 1-1 घंटे का लेक्चर है। अगर आप उस लेक्चर को देख लिए बाबू तो मैं बोल रहा हूँ आप ये सभी क्वेश्चन को कर ले जाओगे, क्लियर है। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो इस वीडियो में ना बताया गया हो, क्लियर है। और अगर आपको सभी विषयों का नोट्स चाहिए, वो नोट्स जो आपको 90% दिला सके, ठीक है, एनसीईआरटी के जो सभी टॉपिक कवर करें, आपको कंप्लीट वीडियो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए चैप्टर वाइज, क्लियर है, आपको लास्ट ईयर पेपर चाहिए और बेस्ट प्लान और स्ट्रेटेजी चाहिए कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, और लास्ट मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, ठीक है, जो लघु उत्तरी अति लघु दीर्घ उत्तरी तीनों मिलाकर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सभी कुछ चाहिए, ठीक है, तो आपको इसके लिए हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। इसकी फीस मात्र ₹500 सभी विषयों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सअप नंबर 7084-8709 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इस बैच में जुड़ने के बाद आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे से इसमें ₹500 पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये फीस ₹500 पूरे एग्जाम तक की है आपके सभी विषयों की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6-6, 7-8 पार्ट बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है। अभी मैं समझाऊंगा तो इस वीडियो को लंबा भी हो जाएगा, और फिर इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब जब मैं बारी बार एक ही चीज को समझाऊं। तो कहने का तात्पर्य जो वीडियो बनाया उसको आपको जरूर देखो, ठीक है। अब आते हैं इस वीडियो की तरफ, मैं साथ में इधर लिख भी दिया हूं कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ष आया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, मोलंस, मोललता, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इन क्वेश्चन को 2-2 नंबर में अलग अलग से भी पूछ सकता है कि मोललता बताइए, मोललता को परिभाषित कीजिए, मोलरता को परिभाषित कीजिए, तो या तो इसी तरीके से चारों एक में दे देगा और 5 नंबर में पूछ लेगा, क्लियर है। पहला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 13, 14, 16, 17, 19 5 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, क्लियर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। यह भी क्वेश्चन देखो बाबू 10, 12, 14, 16, 17, 18 6 साल आ चुका है। देखो ये जितने भी मैं आपको 7 क्वेश्चन इस वीडियो में दे रहा हूँ जो सबसे बोल सकते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो इन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन को जो मैं दूंगा ये 5 नंबर वाले, अगर आप ये 5 नंबर तैयार करो हाफ ईयरली भी आपका एग्जाम है, इन क्वेश्चन को तैयार कर जो आप देखना इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम कोटि के अभिज्ञा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको बताना है प्रथम कोटि के अभिज्ञा से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण बताना है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी 2011, 14, 16, 17, 18 5 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, इनके सामान्य लक्षणों को उल्लेख कीजिए। आपको बताना है एंजाइम उत्प्रेरण क्या है और इनके सामान्य लक्षणों को उल्लेख कीजिए। 11, 13, 16, 18, 19 5 साल भी बोर्ड एग्जाम आ चुका है। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक बात क्लियर कर दूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले, ठीक है,
इनमें क्या होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। लघुत्तरी होता है जो, और जो बहुविकल्पी होता है उसमें क्वेश्चन न्यू बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें देखो कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार करो बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सल्फाइड अस्क से धातु निष्कर्षण की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर हो या फिर मॉडल पेपर हो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, एल्युमिनियम के 2 मुख्य अस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए, बॉक्साइट के शुद्धिकरण की किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, एल्युमिनियम से धातु कैसे प्राप्त की जाती है ये भी आपको बताना है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको 11, 14 और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन, हैबर विधि, तो आपके आप अगर पढ़े होगे तो आपके टीचर बताएंगे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये एकदम रट लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 6 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से 7 तक के लॉन्ग क्वेश्चन में, वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया, ठीक है। अगर आप चाहते हो इनका सभी, इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिले, आपको सभी विषयों के नोट्स भी मिल जाए, तो आप ये टॉप 100 पर जरूर ज्वाइन करो। इसमें मैं लास्ट में आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, जो बोर्ड एग्जाम 2020 के काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और मैं पिछले वर्षों का पेपर भी हल इसमें कराऊंगा और मॉडल पेपर भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर वाइज दूंगा, बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, इसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अगर आप इसी तरीके से चाहते हो मैं बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी का सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर वाइज लाओ, तो इस वीडियो को देख सकते, शेयर करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।